सो गाइस आज मैं आप सब बनाना हेयर पैक शेयर करने वाली हूँ। गाइस आप सभी को पता होगा बनाना हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है, कितना ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। तो गाइस ये साथ ही साथ हमारे हेयर्स के लिए भी उतना ही ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। तो गाइस आज मैं आपके साथ इसके 5 बेनिफिट्स शेयर करूँगी और इसे यूज़ कैसे करना है ये सब मैं इसे डिटेल में बताऊँगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक वॉच जरूर करना। तो गाइस सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ के या हेयर पैक हो, फेस पैक हो या कोई प्रोडक्ट हो, जब तक हमें उसके बेनिफिट्स पता नहीं होते तब तक हम उस चीज़ को यूज़ करने के इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो गाइस बनाना का फर्स्ट बेनिफिट ये है कि इसमें रिच विटामिन्स होते हैं, विटामिन सी और ए होता है जो कि हमारे हेयर्स को हेल्दी करता है। गाइस इसका सेकंड बेनिफिट ये है कि इसमें पोटेशियम और कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। गाइस ये हमारे हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, हमारे हेयर्स को भी इम्प्रूव करता है। सो गाइस इसका थर्ड बेनिफिट ये है कि ये हमारे हेयर्स एंड स्कैल्प के लिए गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जिस टाइम हम अपने हेयर्स पे इसका हेयर मास्क लगाते हैं तो गाइस आप देखोगे कि आपके हेयर्स को एकदम से शाइनी कर देता है, हमारे हेयर्स का टेक्सचर गाइस उसे इंप्रूव कर देता है और आप देखोगे कि हमारे हेयर्स की जो शाइन है उसे भी इंप्रूव करता है। इस बनाना का थर्ड बेनिफिट ये है कि हमारे हेयर्स एंड स्कैल्प के लिए गाइस बहुत ही अमेजिंग होता है। अगर आपके हेयर्स पे बहुत ही ज्यादा रफिनेस है या ड्राइनेस है तो गाइस आप इसे यूज करो, आप देखोगे कि ये रफिनेस ड्राइनेस को रिमूव करेगा और आपके हेयर्स को शाइनी करेगा। तो गाइस अगर आपके हेयर्स पे बहुत ज़्यादा रफिनेस हो गई है तो आप बनाना हेयर पैक यूज़ कर सकते हो। सो गाइस इसका फोर्थ बेनिफिट ये है कि हमारे हेयर्स के टेक्सचर है गाइस उसे इम्प्रूव करता है। अगर आपके हेयर्स पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया तो गाइस उसे भी रिमूव करता है, हमारे हेयर्स की जो वॉल्यूम है गाइस उसे बढ़ाता है। अगर आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा पतले हैं तो गाइस आप इसे हेयर पैक को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे हेयर को थिक करता है, हमारे हेयर्स की जो टेक्सचर गाइस उसे ये इम्प्रूव करता है। सो गाइस इसका फिफ्थ बेनिफिट ये है कि हमारे हेयर्स जो ग्रोथ है उसे इम्प्रूव करता है, हमारे हेयर्स को जो थिकनेस है गाइस उसे बढ़ाता है। अगर आपके हेयर्स पे बहुत ज़्यादा रफिनेस होगी, अगर आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट नहीं होती है या आपके हेयर्स पे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो गाइस आप इसे यूज़ कर सकते हो। इस पैक को आप देखोगे कि आपके हेयर को कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट देता है और कितना ज़्यादा आपके हेयर्स को हेल्दी बना देता है। अगर आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा पतले हैं तो आप इस पैक को यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ये थे इसकी बेनिफिट्स की बात। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे बनाना कैसे है। सो गाइस फर्स्टली यहाँ पर मैं एक बनाना ले लूँगी और इसे पील ऑफ कर लूँगी और इसे काट के एक बाउल में ले लूँगी, या तो आप इसे ग्राइंड कर सकते हो। बट गाइस यहाँ पर मैं इसे कद्दूकश कर रही हूँ कि यहाँ पर इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। आप चाहे तो इसे स्पून के हेल्प से भी मिक्स कर सकते हो, बट गाइस कद्दूकश करके ये होगा कि इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहेंगे। आप चाहे तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हो जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए। तो गाइस यहाँ पर मैं अच्छे से इसे कद्दूकश कर लूँगी। गाइस जो भी है सारा यूज़ कर लेना है। तो गाइस देन यहाँ पर मैं एक चम्मच इसमें मिल्क ऐड करूँगी और इसमें एक चम्मच मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी। गाइस ऑलिव ऑयल हमारे हेयर्स की ग्रोथ है गाइस उसे बढ़ाता है और जो मिल्क है वो हमारे हेयर्स के जो टेक्सचर गाइस उसे इम्प्रूव करता है। तो गाइस इसे अच्छे से कम 2 से 3 मिनट के लिए आपको अच्छे से इसे मिक्स करना है जिससे अच्छे से ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएँ। देन आपको क्या करना है जब इस टाइम अप्लाई करना है, तो गाइस सबसे पहले आपको अपने हेयर्स पे अच्छे से कॉम करनी है जिससे आपके हेयर्स पे कोई भी टेंगल्स वगैरह ना रहे, अच्छे से कॉम कर लेनी है। तो गाइस यहाँ पर आप विदाउट, यहाँ पर मैंने ऑयल लगा लिया था रात को, बट आप चाहे तो विदाउट ऑयलिंग भी इसे डायरेक्ट अपने हेयर्स पे अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैं इसे फिर से मिक्स कर लूँगी। को अच्छे से इसे मिक्स करना है कि इसमें थोड़े भी लम्स वगैरह ना रहें। तो गाइस यहाँ पर मैं अपने हेयर्स पे इसे, अपने स्कैल्प पे इसे अप्लाई कर लूँगी। गाइस अच्छे से अपने जड़ों पे इसे लगाना है मसाज करते हुए। इस तरह से आपको अपने हेयर्स पे, अपनी रूट्स पे इसे अप्लाई करना है। गाइस अगर आपके रूट्स पे बहुत ज़्यादा रफिनेस होगी तो गाइस ये एज अ कंडीशनर का भी वर्क करता है। आप अपने हेयर वॉश करोगे ना उस टाइम आप देखोगे कि ये आपकी हेयर्स को कितना ज़्यादा स्मूथ कर देता है, आपको कंडीशनर की नीड नहीं होती है जिस टाइम आप ये पैक लगाते हो। तो गाइस आपको ये एकदम से स्मूथ कर देगा आपके बालों को और आपके हेयर्स को इतना ज़्यादा शाइनी कर देगा और सॉफ्ट कर देगा। तो गाइस प्लीज़ आप वन टाइम इसे यूज़ करके देखना यार, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है इसके।
गाइस इस तरह से आपको अपने हेयर्स पे इसे अच्छे से लगा लेना है। मैंने अपने हेयर्स पे इसे अच्छे से लगा लिया है। तो गाइस जितना भी बचा है ना, आपको सारा अपने हेयर्स पे अप्लाई कर लेना है, अपने स्कैल्प पे, अपने रूट्स पे अच्छे से लगा के अपने हेयर्स पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसाज कर लेनी है। देन आपको एक बन बना के अपने हेयर्स पे 20 मिनट्स के लिए इसे एज इट इज़ रहने देना। देन आपको अपने हेयर वॉश कर लेनी है। बट गाइस ध्यान रहे कि 20 मिनट्स से ज़्यादा आपको अपने हेयर नहीं रखना है। सो गाइज मैंने अपने हेयर कर लिए हैं वॉश, तो गाइज रिजल्ट आप देख सकते हो। गाइज इस पैक को आपको वीक में 1 टाइम जरूर यूज़ करना है और रिजल्ट आप खुद ब खुद नोटिस करोगे। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और गाइज बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइज इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो गाइज अब हम मिलते हैं।